दोस्तों नमस्ते, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार तो देश में होली भी 2 दिन मनाई जा रही है। कई लोग आज मना रहे हैं तो कई लोग कल मनाएंगे। अब बात आज इस होली के रंगीन त्यौहार के बीच चर्चा गंभीर है कि एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, एक ऐसा ट्रेंड है जो लगातार चल रहा है, रुक रुक कर हमेशा दिखाई पड़ता है। वह है स्टॉप प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण को बंद करो, इसे रोक दो। यह हर युवा पूरे देश में प्रधानमंत्री से भी गुहार लगाते हुए नजर आता है। आखिर क्यों निजीकरण का विरोध जरूरी है, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। आज तो आप जानते हैं कि देश में NPA कितना हो रखा है, हमारी GDP निगेटिव में चली जा रही है। जब निगेटिव में GDP होगी और उसी वक्त यह भी खबर आपको मिले कि अडानी जैसा व्यक्ति दुनिया में अमीर व्यक्तियों की सूची में बहुत ही टॉप क्लास में बढ़ता जा रहा है, देश में उसने मुकेश अंबानी तक को पीछे छोड़ा है। अंबानी हो अडानी हो, ऐसे लोग इतनी तरक्की कर रहे हैं और हमारे देश की इकोनॉमी निगेटिव में जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? गरीब गरीब होते जा रहे हैं। अगर नीति आयोग की आप रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि क्या स्थिति हो गई है। पहले लोग गरीब जिले को ढूंढते थे, आजकल उसका नाम बदल के आकांक्षी जिला कर दिया गया है। नीति आयोग का कमाल है, पहले प्लानिंग कमीशन का कमाल होता था। लेकिन निजीकरण क्यों बंद होना चाहिए? कुछ दिन पहले बैंकों का हड़ताल हुआ था, हड़ताल में बैंक के कई कर्मचारी आए थे। उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने भी कई बातें कही कि आप जरा बेसिक बात समझिए कि आपको बैंक में जब पैसे जमा करते थे तो सेविंग्स पे आपको पहले ठीक ठाक इंटरेस्ट मिलता था, या बहुत सारे स्कीम ऐसे होते थे जिसमें इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़िया होता था। लेकिन आज के डेट में आप अगर बैंक में पैसे जमा करते हैं तो आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है। आखिर यह कम क्यों हो गया? और फिर इसी के साथ उन्होंने कहा कि बैंक की स्थिति देखिए, बैंक को बार बार प्राइवेट हाथों में देने की बात हो रही है, कई सारे बैंक जो है बेचे जा रहे हैं। मेरे पास एक फेहरिस्ट भी है कि सरकार लगभग PSU को जो है वो बेचने पे तैयार हो गई है। उन्हें लगता है कि प्राइवेट सेक्टर ही इसको बढ़िया चला सकता है। फिर आप सरकार किस काम का? आप ईस्ट इंडिया कंपनी ही बना लीजिए जो भारत में आई थी और पूरे भारत को गुलाम बना के चली गई। क्या फिर हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं जहां पर बड़े बड़े बिजनेसमैन लाखों करोड़ों का बैंक से कर्ज लेते हैं, पैसा नहीं चुकाते हैं, और पैसा जब नहीं चुकाते हैं तो देश छोड़ करके भी भागते हैं, और सरकार जो है बैंकों को कहती है बुक से आप इन डेटा को हटा दीजिए, हम पैसा रिटर्न ऑफ करने वाले हैं, 6 लाख करोड़ रुपए रिटर्न ऑफ कर दिए गए। ऐसी परिस्थिति से यह देश गुजर रहा है जहां सरकार अपनी इज्जत बचाने के लिए, कॉरपोरेट जिंदा रहे इसके लिए इतने बड़े कदम उठाते हैं। आखिर UP चुनाव में आप 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं चुनाव के कैंपेन पे, इतने बड़ा बड़ा चुनाव, इस स्तर का चुनाव हो जाता है, ये पैसा कहां से आता है? पॉलिटिकल पार्टियों के पास ये पैसे कहां से आते हैं? क्या वही जो कॉरपोरेट जो बिजनेसमैन खुद को दिवालिया घोषित करते हैं और जिसका पैसा सरकार जो है रिटर्न ऑफ करती है, वो पैसे क्या उसी पैसे से चुनाव होता है क्या? अब इसमें तो पूरा रिपोर्ट होने चाहिए। बात फिर से निजीकरण की, हमने एक बेसिक उदाहरण कई वीडियो में दिया है कि आप जब बैंकों में पैसा जमा करते हैं तो आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन आपको कई कंपनियां फोन करती है, बैंक आगे से फोन करके कहती है आप हमसे लोन लीजिए, जब आप लोन लेते हैं तो आपको 14% के इंटरेस्ट रेट से पैसा वापस चुकाना पड़ता है बैंक को। आपके ही पैसे से बैंक चल रहा है, आपके ही पैसे को लेकर के जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन भाग रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भाग रहे हैं, और आप हैं कि आप जब बैंक से कर्ज मांगने जाएंगे, आप 1 लाख रुपए का कर्ज लेंगे, पर्सनल लोन लेंगे, तो भी आपको इतने इंटरेस्ट चुकाना होगा कि आपकी हालत खराब हो जाएगी, कमर टूट जाएगी, तो आप क्या करेंगे? तो इस परिस्थिति से बचने के लिए भी निजीकरण को रोकना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्राइवेट बैंक तो इतनी ईमानदार तो है नहीं। थोड़े थोड़े से एग्जाम्पल समझिए, फिर मैं मुद्दे पे भी आऊंगा। एग्जाम्पल ये देखिए कि अगर आपको जब तबीयत खराब होती है, आजकल आयुष्मान भारत का आप नाम सुनते हैं, यह सुविधा अगर सरकार दे रही है तभी तो आपके पास थोड़ी हिम्मत है। उसमें भी सेलेक्टेड कुछ करोड़ लोग हैं, कोई ऐसे लोग हैं जिनके पास यह सुविधा है तो वो 2-4 लाख रुपए का अपना इलाज करवा सकते हैं। लेकिन वही कोरोना की हालत देखिए, वहां पर क्या स्थिति हुई थी? उस जगह पे प्राइवेट हॉस्पिटल में एक एक दिन का 1-1 लाख रुपए का बिल बन रहा था और किसी के पास पैसा नहीं था, लोग अपने परिजन के डेड बॉडी छोड़ करके भाग रहे थे।
इस परिस्थिति से भी देश गुजरा है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे ही आप डिपेंडेंट हो जाएंगे तो आपको जीने देगा क्या प्राइवेट हॉस्पिटल? आप इस परिस्थिति को समझिए, क्योंकि यह देश की दुर्दशा की कहानी कहता है। इसके अलावा देख लीजिए, अगर आप सरकारी स्कूलों की दुर्दशा देखिए, प्राइवेट स्कूल इतनी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए क्या इस 130 135 करोड़ की आबादी के पास इतना पैसा है तो वो 10,000 के महीने की फीस, 5,000 महीने की फीस भर सके? नहीं। जिस देश में फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ की बात होनी चाहिए थी, वहां पर जो है प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है। हम लोग कहां जा रहे हैं? और प्राइवेटाइजेशन आने का सबसे बड़ा खतरा तो युवाओं पे भी पड़ेगा। जो लोग सरकारी नौकरी के अवसर ढूंढते हैं, उनके अवसर समाप्त होते चले जाएंगे। क्योंकि लोकसभा में ही जब एक सवाल पूछा गया था, जब जो है BPCL और कई तरह की कंपनियां कोल इंडिया, जिसमें इंडिया लगा हुआ है, उस देश को नहीं बिकने दूंगा, नहीं झुकने दूंगा कहने वाली सरकार उन तमाम ऐसे PSUs को बेचने पर आमदा है, बेच रही है। कई इंश्योरेंस कंपनियों को बेचने की बात है, कई बैंकों को विलय हो गया, इतनी स्थिति खराब है, NPA हो गया देश में, नॉन परफॉर्मिंग स्थिति जो आती है, क्यों आती है, आप वसूली क्यों नहीं कर पाते हैं? अब देखिए कि सरकारी नौकरी के अवसर खत्म हो जाएंगे। जब उसे सवाल किया गया लोकसभा में, मैं वही बात कर रहा था कि उस परिस्थिति में देश में यह हालत हो गई कि जो सरकार से सवाल पूछा गया कि आरक्षण का क्या करेंगे, उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, तो जैसे ही हमने इसको बेच दिया आरक्षण खत्म। तो जिस दम पे आप आगे बढ़ना चाहते थे, जो पिछड़े समाज के लोग थे, जो आरक्षण के बल पर समाज के अगले पायदान पे आना चाहते थे, अपनी आर्थिक तरक्की, आर्थिक समानता की बात, इक्वालिटी की बात जो करना चाहते थे, उनके तो कदम टूट गए। उनके कदम तो छोड़िए तो सेकेंडरी है, इसके साथ साथ रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? तो प्राइवेटाइजेशन आपको कई मायने में परेशान करेगा। आप नौकरी मांगने जाएंगे प्राइवेट सेक्टर में, कितने की नौकरी कर रहे हैं? यह देश तो ऐसा है कि बहुत ही बेसिक बात समझिए, सरकारी कंपनियों में कोई गड़बड़ियां होती हैं तो CAG है, जो है PAC है, ये सब जो है ये आपके लिए अकाउंटेबल हैं। ये लोग पूरा हिसाब निकालते हैं कि आपने कहाँ गड़बड़ी कर दी, आपको हमने इतना पैसा दिया था, इसका हिसाब कहाँ है? लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जब ये इस परिस्थिति से आप गुजरेंगे, तब कौन सा CAG आएगा, कौन आपको ऑडिट करेगा, तब आप क्या करेंगे, क्या बताएंगे? और ऐसे में ये सरकार जो है कॉरपोरेट कम जो है सेक्टर हैं, जो लोग इतने बैंकों से पैसे उठाते हैं, उनका पैसा जो लेके भाग जाते हैं, तो सरकार कहती है रिटर्न ऑफ कीजिए, पैसे हम भरपाई कर रहे हैं। कब तक भरपाई करेंगे आप? देश का खजाना, जनता का पैसा खाली कर देंगे क्या? यहाँ पे पिछले साल 2020 के आसपास जो जानकारी दी गई थी, 2021 के आसपास में, कि 1.5 लाख करोड़ रुपए बैंक को दिए गए सरकार के द्वारा कि लीजिए आप पहले मैनेज कीजिए, कहाँ फंस गए आप, और उससे भी नहीं हो रहा है तो बैंकों को बंद कीजिए, शटर डाउन कीजिए, बेच दीजिए। इस परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, कैसे काम चलेगा? देखिए एक डेटा मैं देख रहा था, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने निकाला है कि क्या स्थिति होगी, दो बड़े स्टेडियम अगर इसको प्राइवेटाइजेशन की ओर भेज दिया जाए, 11,000 करोड़ रुपए, 9 पोर्ट 13,000 करोड़ रुपए, 25 एयरपोर्ट 21,000 करोड़ रुपए, 160 माइनिंग और 761 कोल ब्लॉक जो होता है 32,000 करोड़ रुपए, किसान के लिए जो गोडाउन बनते हैं भंडारण के लिए वो 29,000 करोड़ रुपए, टेलीकॉम सेंटर के लिए जो है उस पर 39,000 करोड़ रुपए, अगर इन सब चीज़ को हम प्राइवेटाइज करते हैं तो गैस पाइपलाइन को 46,000 करोड़ रुपए, पावर सेक्टर में 1,00,000 करोड़ रुपए, रेल के लिए अगर देख लें 400 स्टेशन 1500 ट्रेन को हम देख लें तो 1.5 लाख करोड़ रुपए, और फिर हम देखते हैं नेशनल हाईवे जो सड़कें बनती हैं, अगर हम देख लें 26-27 हज़ार किलोमीटर जो सड़कें बनेंगी, अगर उसको प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए तो 1.6 लाख करोड़ रुपए, मतलब कुल मिलाकर के देखा जाए तो 5.5 लाख से 6 लाख के बीच का ये बजट बैठता है। हम इतना चीज़ को बेच देंगे, और ये बिकने के बाद क्या गारंटी है कि आप की सब कुछ चीज़ें जो है दुरुस्त हो जाएंगी? अरे बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया था, इंदिरा गांधी को राष्ट्रीयकरण क्यों करना पड़ा? क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो होता है, समावेशी विकास जिसको बोलते हैं, जिसमें से हर वर्ग के लोगों को शामिल करना होता है, उन लोगों को बैंक से जोड़ना था, और ऐसा काम उस वक्त जो बैंक प्राइवेट थे वो नहीं कर पा रहे थे, तो अल्टीमेटली जो है इनको राष्ट्रीयकरण करना पड़ा। अब क्या हम फिर से उसी स्थिति में लौट गए? लेकिन क्या पता है आपको कि अगर हम फिर से बैंक को प्राइवेट कर देंगे तो क्या स्थिति होगी? आज एक कन्हैया कुमार ने बहुत अच्छी बात कही थी कि आज प्राइवेट बैंक में जाते हैं तो प्राइवेट बैंक इसलिए आपकी इज्जत करता है क्योंकि सरकारी बैंक में आपको धक्के मार दिए जाते थे, लेकिन जब सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो फिर मोनोपोली तो वहां भी शुरू हो जाएगी ना, वहां भी आपको धक्के पड़ेंगे।
लोग बाहर निकाल देंगे। आप गरीब हैं, आपके पास अगर 500-1000 रुपए जमा करने के लिए जाना है, प्राइवेट बैंक आपके लिए दरवाजे नहीं खोलती है, लेकिन सरकारी बैंक में आपके लिए दरवाजा खुल जाता है। तो आप क्या करेंगे, क्या उस वक्त क्या इन लोगों को फिर से उसमें शामिल किया जाएगा? और ये आप क्यों नहीं सोचते हैं, जब चीजें प्राइवेट हो जाएंगी वो सबसे पहले अपना प्रॉफिट ढूंढेंगे, पैसा हमें कैसे बनेगा, कैसे मिलेगा, वो सबसे पहले लोन बिजनेसमैन को देगी। शिक्षा के लिए लोन कहाँ से आएगा, एजुकेशन सेक्टर में जो छात्र इंतजार करेंगे उनकी स्थिति क्या हो जाएगी? प्राइवेटाइजेशन आपको नुकसान करेगा, आपके ही पैसे को निचोड़ेगा और पैसे को दे देगा, और जो बिजनेसमैन हैं वो पैसे लेकर के भाग जाएंगे। आपके लिए मेहुल चौकसी, ये सारे लोग जो नाम सुनते हैं विजय माल्या का, सब क्या है, सब तो पैसे लेकर के भागे हैं आपके। कैसे कैसे सुधरेगा देश? तो पूरा जो जानकारी मेरे पास है इसको देखिए, मैंने देखा कि बताया गया कि बैंक के पैसे जो हैं 6,32,000 करोड़ इसको रिटर्न ऑफ किया गया सरकार के द्वारा, फिर भी एनपीए अभी भी इतना बड़ा है। क्यों? इसकी भरपाई सरकार करेगी। और जो रिटर्न ऑफ करने का तरीका दो तरीके का होता है। एक तरीका होता है कि आप रिटर्न ऑफ डायरेक्टली कीजिए, अपने बुक से डिटेल से खत्म कर दीजिए, चलिए ये पैसा गया डूब गया, हमने भरपाई करने की कोशिश की। और दूसरी स्थिति होती है कि आप जो है पैसे जो है रिकवर कीजिए। तो कहा जा रहा है कि हम लोग 44,240 करोड़ रुपए ही रिकवर कर पाए। कुछ बैंक के लिस्ट दिए गए हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 1,23,000 करोड़ रुपए का जो इनके ऊपर था उसमें से रिकवरी जो है मात्र 8,000 करोड़ का हुआ, जो इसको माफ किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा का देखिए 21,000 करोड़ रिकवरी 1,000 करोड़ का हुआ। जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है 7,000 करोड़ का था, इसमें रिकवरी देखिए मात्र 284 करोड़ का है। इस तरह करके कई ऐसे बैंक हैं जिन्होंने यह दिखाया है कि इन्होंने कोशिशें की, लेकिन बैंक जो है बर्बाद होता जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पर आप सरकार में रहते हुए नकेल नहीं कस पाए। तो फिर जब यह कंप्लीट आप प्राइवेट कर देंगे चीज़ों को, तो परिस्थिति क्या हो जाएगी? परिस्थिति गुड़ गोबर हो जाएगी, देश बिकने की स्थिति में आ जाएगा। तो ऐसे हालात में जरा ये सोचना पड़ेगा सरकार को कि निजीकरण की बात करने वाले जो आज रेलवे बेचने वाले हैं, जो पोर्ट्स बेचने वाले हैं, हर किसी में जो है कोयले सेक्टर को भी प्राइवेट करने की बात हुई है। अब देखिए कोल प्राइवेट, रेलवे प्राइवेट, सड़कों को प्राइवेट करने की बात है, पोर्ट्स देखिए अडानी के पास तमाम हर सेक्टर में उनका दबदबा है, हर जगह वो घुसे हुए हैं। वो तो मध्य प्रदेश में कह रहे हैं कि हम जो है चाहते हैं कि सारे भंडारण की शक्ति हमें दे दीजिए, बदले में सरकार आप पैसे ले लीजिए। चीज़ें जब प्राइवेट होंगी, एक तो छोटे छोटे बिजनेसमैन तो ख़त्म हो रहे हैं, जो बड़े दैत्य टाइप के बिजनेसमैन हैं वो हर चीज़ पे पकड़ बनाए हुए हैं, लेकिन वो क्या करेंगे? तो इससे देश की सुरक्षा कैसे होगी? बिना तैयारी के निजीकरण का विचार भी बहुत ही खतरनाक है। कहीं हम उस दौर में तो नहीं गुजर रहे हैं जब निजीकरण के नाम पर पे हम बर्बादी की ओर बढ़ते चले जाएंगे? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तब वो कंपनी अपना बिजनेस करने आई थी, और फिर देश में कैसे उन्होंने अपना कब्जा कर लिया, यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया। कहीं उस दौर से हमें ना गुजरना पड़ जाए, इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, विरोध डट के करना पड़ेगा। रेलवे की नौकरी खत्म नहीं होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ, चाहे किसी भी विभाग की नौकरियाँ खत्म नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर के अपने मापदंड होंगे, बेरोजगार जो है बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। ऐसे परिस्थिति में आपको तैयार रहना पड़ेगा। ये प्राइवेट प्राइवेट चीज़ें आपको महंगाई की ओर ले जाएंगी, क्योंकि वो अपने स्तर से सोचती हैं और सरकार को निचले स्तर से सोचना पड़ता है। सरकार को फ्री राशन देना पड़ता है, क्या आपको प्राइवेट फ्री राशन देगी? नहीं, प्राइवेट कंपनियां आपको सिर्फ और सिर्फ आपसे निचोड़ना जानती हैं, वो निचोड़ लेंगी। आज देखिए आपको 400-300 रुपये की लत लगाने वाली जो टेलीकम्युनिकेशन की कंपनियां हैं, कैसे आज आपसे 700-800 रुपये वसूल रही हैं और मजबूरी में दे रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए जरूरी है एकजुट होकर विरोध कीजिए, क्योंकि ट्रेंड लगातार चल रहा है स्टॉप प्राइवेटाइजेशन, स्टॉप प्राइवेटाइजेशन। देश बचाइए, निजीकरण रोकिए, तभी आप सुरक्षित होंगे। यह सब कुछ बेच देने से देश सुरक्षित नहीं रहेगा। और आर्थिक तरक्की की भी बात हम नहीं समझते हैं कि आप 130 करोड़ जनता की मनसा को कुचल करके आर्थिक तरक्की कर पाएंगे, इसलिए जरूरी है स्टॉप प्राइवेटाइजेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।